तेज बज रहा है, तो चलिए निकालना है। हम लाते हैं कर रहे हैं, मुझे देखने आगे में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हाँ 4 बज गए, मैं उठ गई हूँ और मैंने इधर ये चढ़ा दिए हैं राज में, और अब मैं नहाने जा रही हूँ। तब तक ये सीटी लग जाएगी, तो बस अब काम करना शुरू हो गया। डेली इस टाइम उठ ही जाती हूँ मैं, देख सकते हैं सुबह के बज रहे हैं 4:23 हो गया है। थोड़ा बहुत मैंने काम किया तो उस टाइम तो नहीं मैंने शूट किया, बट हाँ 4:23 बज रहा है। तो चलिए मैं पहले नहा के आती हूँ, तब तक मेरे राजमा बघार तेल गर्म हो चुका है, तो ये मसाले मैंने निकाल लिए हैं, उसे बघारती हूँ मैं, बघार लगाती हूँ मैं। और ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है, जीरा थोड़ा चटकने लगे तो ये हो गया। ये मैंने प्याज और पीसने जा रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसमें। प्याज को मैंने डाल दिया है, थोड़ी देर में ब्राउन होने का। इधर मेरे राजमा भी पक गए हैं, ये देखिए राजमा को थोड़ा सा अच्छे से गलाने पड़ते हैं, पक चुके हैं। और इधर मेरा ये प्याज भी पक चुका है, इसमें टमाटर ऐड कर दे रही हूँ। अच्छा इनको भून लेती हूँ, मसाले करती हूँ। तो गैस मैंने सारे मसाले डाल दिए, धनिया, हल्दी, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च और नमक सब कुछ ऐड कर दिया है। इनको अच्छे से भून लेती हूँ। ये मसाला का तेल छोड़ देगा, कढ़ाई से छोड़ देगा मतलब, तो मैं इसमें राजमा ऐड करूँगी। चावल भी बढ़ा दूँगी फटाफट, आटा लगाने जा रही हूँ मैं। ये हो गया है हमारा मसाला कंप्लीट, अब हम राजमा ऐड कर दे रहे हैं इसमें। तो पानी ऐड करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, राजमा ज़्यादा पके बस अच्छे से बॉयल आ जाएगी तो ऐसे हो जाएगा मेरा कंप्लीट। तो मैं अब आटा लगा रही हूँ, तो मैं इस कटोरे में दूध बॉयल करती हूँ डेली, तो इसमें क्या होता है मलाई लगी रहती है, तो मैं डेली का मेरा नियम है कि मैं इसी कटोरे में आटा सान लेती हूँ, और क्योंकि इसकी जो मलाई होती है ना तो सारी अच्छे से आटे में आ जाती है। तो ये कटोरा भी थोड़ा बड़ा है तो मुझे आटा सानना इसमें सही लगता है। तो ये दूध के होता है कटोरा है जिसमें बॉयल करती हूँ ना, इसी में मैं आटा लगाती हूँ, तो मेरी आटे में थोड़ा सा क्रीम वाला टेस्ट आ जाता है। बर्तन वगैरह धो गए हैं और सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा सब हो गया, तो मैं बस अब दूध निकाल के दे रही हूँ, ये खाएँगे फटाफट ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो चलिए अभी इनको छोड़ने भी जाना है, तो चलते हैं इन लोग को नाश्ता करा दिए। और बस अभी पूजा कर ली मैंने, सुबह को भी छोड़ के आ गए, सुबह बहुत लेट हो गए थे आज, बस पता है खड़ी थी वहाँ पे, और इन दोनों की मस्ती पूरे टाइम चलती रहती है। देखो ऐसे किसके बच्चे खेलते हैं यार, ये मेरे बच्चे तो बहुत चद्दर हो रहे हैं। किससे बात करी थी आपने, दादी से बात करी थी, क्या बोला दादी ने? हम नो बुआ चली गई, अब कहाँ जाओगे आप? बीजू मैं कहाँ गई? क्यों आप कहाँ जाओगे? तो बाव तो दिल्ली में है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बहुत ज्यादा फीवर आ गया अचानक से, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा फीवर आ गया, और कुछ हिम्मत भी नहीं हो रही काम करने की, और हाथ पांव टूट रहे हैं एकदम से। देखो जिससे मम्मा ने चैलेंज किया था वो वाली टॉफी। और ये दोनों तब से सोने के लिए दूध दे दिया था, सो ही नहीं, 3 बजने वाला है, ये दोनों खेल ही रहे हैं तब से, अपने आप से खेल रहे हैं मेरे बच्चे। मैं तो बिल्कुल भी पड़ी हुई हूँ 11 बजे से, बिल्कुल
मम्मा टॉफी खा लो, वो दे रहा है। ये बेटा खोल के मम्मा को दे दो बेटा। ओके। ये दूसरी टॉफी क्यों निकाल रहा है? बहुत बेकार लग रहा है। चॉकलेट दो, उतने की हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे देखने आ गए? कुकुट खाई। हाँ मैंने कुकुट खा ली थी। कहाँ जा रहे डॉक्टर साहब? इधर इधर आके मुझे दवाई दे दो, मेरी तबीयत सही नहीं है सुबह से। मैं देता हूँ, मैं असली डॉक्टर हूँ, खराब डॉक्टर है। चेकिंग हो रही है मेरी, चेक। मैं करता हूँ। इतने प्यारे डॉक्टर हैं ये। चश्मे की चलना नहीं है, चश्मे पे लग मैं तो मेरे से लग नहीं रहा। अभी थोड़ा सा उठी हूँ, थोड़ा सा सही लग रहा है। दवाई वगैरह ली थी मैंने तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है। कुछ चीजें होती हैं लाइफ में ऐसी होती है ना कि इंसान बहुत परेशान रहता है, बट उसको सलूशन समझ में नहीं आता कि कैसे क्या निकाला जाए, क्या करा जाए। बच्चे हैं छोटे। मम्मा मैं को दूध दे दो। हाँ बेटा दे रहे। बट हाँ संभलना तो इंसान को ही पड़ता है ना, हम भी समझ जाएंगे।